हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीएस। आज हम आपको 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है यह सिद्ध करना आपको सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने से पहले हम मान लेंगे कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। हम सबसे पहले मान लिए कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या की परिभाषा से परिमेय संख्या यह कहता है कि वैसे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। और परिमेय संख्या होने का एक और शर्त है कि वहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 5 - √3 बराबर p/q, चूंकि हम मान लिए कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसे 5 - √3 बराबर p/q लिख दिए और इसे समीकरण एक मान लिए। और यहां हम लिखेंगे जहां pq एक पूर्णांक है, pq एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और यह q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर लिखेंगे pq एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। इतना मान लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक से 5 - √3 बराबर p/q। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 5 p/q इधर दाएं पक्ष में प्लस में है, जब हम इसे बाएं पक्ष में लाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, और यह √3 माइनस में है बाएं पक्ष में, जब हम इसे दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मेरा काम होगा इसे पुनर्व्यवस्थित करने का। तो अब हम इसे लिख सकते हैं √3 बराबर 5 - p/q। कुछ नहीं किए, बस इधर वाले को इधर लिख दिए और इधर वाले को इधर लिख दिए। अब हम इसके बटा में एक मान लिए, और जब एक मान लिए तो √3 बराबर एक और क्यू का जो एलसीएम होगा वो क्यू हो जाएगा, और जब हम एक से भाग देंगे क्यू में तो हमें मिलेगा क्यू, और क्यू से 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 5q, माइनस क्यू से भाग देंगे क्यू में तो 1 मिलेगा, और 1 से p में गुना करेंगे तो p मिलेगा, और हम इसे समीकरण 2 मान लिए। अब हम समीकरण 2 में क्या देख रहे हैं कि जो हमारा दाहिना पक्ष है 5q - p/q एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे समीकरण दो से 5q - p/q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमारा मानना है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है जो गलत है। तो जब यह परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब है कि 5 - √3 अर्थात 5 - √3 जब यह परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या होगा, अपरिमेय संख्या, अर्थात 5 - √3 एक
परिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारा यह सिद्ध हो गया कि 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।